फिलहाल हम खड़े हैं रांची के मोराबादी मैदान में और यहाँ पर आदिवासी एकता महारैली चल रही है। मंच पे बैठे नेताओं से बात करेंगे कि आखिर इस ऐसी एकता दिखाने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्या ऐसा कारण रहा कि इतनी भारी संख्या में आदिवासी यहाँ पर पहुँचे, आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या क्या मुद्दे हैं जो इस मंच से चर्चा का विषय होंगे। इनसे ये भी जानेंगे कि आखिर एकता का ये रैली का क्यों करना पड़ा। दूसरा कि बीते कुछ दिनों पहले डीलिस्टिंग रैली की गई थी, उसका कहीं ये काउंटर बैक रैली तो नहीं। और तीसरा कि क्या आदिवासियों को बांटने की मंशा कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है अगर ये एकता रैली कर रहे हैं तो। आदिवासियों को एकता दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं रहा। अभी वर्तमान में जैसा परिस्थिति आया है हम लोग के पास पूरे झारखंड वासियों के लिए, जो कि एक हम लोग के लिए काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है। हम आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है, सारी संपत्तियों से बेदखल किया जा रहा है, जबकि जब जमीन जल जंगल सब हम लोग का है फिर भी बेदखल किया जा रहा है। और यही स्थिति को देखते हुए आज हम लोग ये आह्वान किए हैं कि हम आदिवासी एकता रहे, एक होकर हम लोग इस लड़ाई की समाधान करेंगे, इस समस्या को समाधान करेंगे। इसी वजह से हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आखिर आदिवासियों को एकता दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं था कि आदिवासियों के बीच में मनमुटाव हो, समुदायों के बीच में या फूट की बात हो। देखिए, आदिवासी ना कभी डरा है ना कभी डरेगा, आदिवासी हमेशा से लड़ने वाला है। जिस तरह से पिछले 2-3 महीने से देखिएगा केंद्र की जो सरकार है बीजेपी आरएसएस और उससे संबंधित जो संगठन है उसके द्वारा यहाँ पर इन प्रकार से आदिवासियों को धार्मिक आधार पर बांटने का काम किया गया था और किया जा रहा था, उसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ एकजुटता दिखाने के लिए रैली किए हैं। और जो आदिवासी मुद्दा है और आदिवासियत के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम ये संदेश यहाँ से पूरे राज्य और पूरे देश को देना चाहते हैं कि आदिवासी एक है, ना कभी बटा था ना कभी बटेगा। बीते कुछ दिनों पहले यहाँ पर डीलिस्टिंग रैली की गई थी, जहाँ पर ये कहा गया कि जो भी आदिवासी कन्वर्ट हो गए हैं उनका आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए। इसको किस तरह देख रहे हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि अगर डीलिस्टिंग की जाती है तो उससे पहले सरना धर्म कोड कितना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे आदिवासी जो बांटने का काम कर रहा है धर्म और जाति के आधार पर, पहले जानना होगा धर्म क्या है जाति क्या है। आदिवासियों को जाति कभी बदलता नहीं है। धर्म, ये भारत लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हम कोई भी धर्म मान सकते हैं। तो धर्म और जाति को जानना होगा। डिलिस्टिंग वाले जाति और धर्म को एक बताने का प्रयास करें। भारत में करीब 16 करोड़ आदिवासी है, सभी को अपने तरीके से जीने का अधिकार है, हर धर्म को मानने का अधिकार है। लेकिन कुछ लोग प्रायोजित प्लान बनाकर डिलिस्टिंग का खेल खेल रहे हैं ताकि आदिवासियों पर प्रहार हो सके, एकता को तोड़ने का प्रयास हो सके। झारखंड में यहाँ पर आदिवासी सरना आदिवासी हो या ईसाई आदिवासी, ये समझना होगा आदिवासियों का रूट जड़ एक है, तना अलग हो सकता है। कहने का मतलब है कि जड़ है और तना जो बढ़ता है तो देखिएगा इसमें उराव है तना के रूप में, मुंडा है, संथाल है, खरिया है, झारखंड के 32 ट्राइब्स है। धर्म मानने वाले कोई भी चर्च के हो सकते हैं, सरना प्राकृति पूजक हो सकते हैं या किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो धर्म और जाति को यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा है एक रूप। ये जो भी डिलिस्टिंग किए थे उनके जो नेता थे उनका कहना था कि जब वो टारगेट कर रहे हैं क्रिश्चियन और मुस्लिम में कन्वर्टेड आदिवासियों को, तो जब हमने सवाल किया कि जो हिंदू में कन्वर्ट हुए तो उनका कहना था कि आदिवासी हिंदू ही है, ऐसा है क्या? देखिए, हमको पहले ये बताए वर्ण व्यवस्था में आदिवासियों का स्थान कहाँ है? स्थान तो है नहीं। आप पढ़िएगा हड़प्पा कल्चर का, वैदिक काल आता है, वैदिक काल के समाज में लिखा गया है वैदिक काल का समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित और जनजातीय समाज था। कहने का मतलब है कि वर्ण व्यवस्था भी चल रहा है और जनजातीय समाज भी चल रहा है। तो वर्ण व्यवस्था में तुम है नहीं, ना ब्राह्मण में है, ना क्षेत्र में है, ना वैश्य में है, ना शूद्र में है, ना तो स्थान है नहीं, तुम हिंदू कहाँ से हुए? हम लोग प्रकृति पूजक है, आदि धर्म को मानने वाले हैं, तो हिंदू का बात ही नहीं है। एक्चुअली प्लान ये है डिलिस्टिंग का खेल खेल के आदिवासियों का एकता को तोड़ने का प्रयास है ताकि आदिवासी एकता स्थापित ना हो सके। पहले टारगेट करेगा ईसाई पे, फिर टारगेट करेगा जो आदिवासी हिंदू बना है, फिर धीरे धीरे सब टारगेट करके आदिवासी एकता को तोड़ देगा।
प्लान। और इसी इस साल में चुनाव भी होने हैं, तो क्या डिलिस्टिंग की जो रैली की गई उसके पीछे चुनाव में आदिवासी वोट बैंक बनाने की मंशा? बिल्कुल, ये प्रायोजित रैली था, कहीं ना कहीं बाहरी तत्व और अब जानते हैं संघ के द्वारा ये मंच बनाया गया है, जनजातीय सुरक्षा मंच और बाकी संस्था, जो कहीं ना कहीं आदिवासियों को तोड़ने के लिए, आदिवासी एकता को कमजोर करने के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किए ताकि चुनाव के समय सेंधमारी हो सके और सरना वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित कर सके। संघ कर रहा है, सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, संघ के इशारे पे हो रहा है। कहीं ना कहीं जो झारखंड में सीएनटी एसपीटी आंदोलन के द्वारा देखा गया कि सारे झारखंड के आदिवासी एक थे, एक हैं, और इसी एकता को बनाना है और धर्म के नाम पे बांटने का प्रयास न करें। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in